रोज बड़ी हवेली जाना है? हाँ, आज भी गया था। तो बड़ी हवेली गया और तूने अब तक अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताया, ऐसी दोस्ती हमारी। अरे प्रीत मैडम ने बुला लिया था मुझे। तो उनसे मिलने गया था तो बोलना। अरे क्या? कि वो कैसी दिखती हैं, मैंने उनके बारे में बहुत कहानियां सुनी। वो तो इस दुनिया की लगती ही नहीं, कुछ अलग ही बात है उनके चेहरे पर। इतनी सुंदर, बिल्कुल वो बचपन में सुनी परियों की तरह। वो राजकुमारी जो महलों में रहती है। 34, 35, 36, 37, 38. बालों की अहमियत मालूम नहीं है तुम्हें, जानती भी हो? कल का दिन तुम्हारे लिए कितना मायने रखता है। जो भी तुम्हें करना है वो आसान नहीं है तारा। लेकिन जो भी मैं तुम्हें सिखा रही हूं उसे भूलने की गलती भी मत करना। और याद रखना, तुम्हें मेरे सपने को पूरा करना है। मैडम 50 हो गए। मतलब 50? और मैडम मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैडम ने कहा है तो जरूरत है। कितनी प्यारी हो तुम आए, इसलिए तुम मुझे सबसे ज्यादा पसंद हो, क्योंकि तुम दूसरों की तरह सवाल नहीं पूछते। तारा, तुम्हारे बाल बादलों से भी ज्यादा घने होने चाहिए और तुम्हारी त्वचा इतनी मुलायम कि किसी का भी दिल फिसल जाए। और तुम्हारा दिल पत्थर से भी ज्यादा मजबूत, as cold as ice। तभी तो तुम मेरा सपना पूरा कर पाओगी। अरे दीदी, आप यहाँ स्कूल में क्या कर रहे हो? सब ठीक है ना? यहाँ से सीधा हवेली जाना है, प्रीत मैडम ने बुलाया। अरे पर मैं स्कूल यूनिफॉर्म में कैसे जाऊंगा? मैं घर जाके कपड़े बदल लेता हूँ ना। अभी मतलब अभी अभी जाना है। बस मैं रणधीर को लेने के लिए आ रहा था, चलें। अच्छा आप लोग भी अपना जरा ध्यान रखिएगा, देखिएगा ये शाम के बाद घर से बाहर ना निकले, और खास तौर पे उस जंगल की ओर तो बिल्कुल ना जाए, थोड़ा खतरा है, काफी लोग मारे जा चुके हैं। मारे गए? मतलब किसने किया, आदमी ने या जानवर ने? ना आदमी ने ना जानवर ने, मेरा मतलब है कि पुलिस अभी तक ठीक से पता नहीं लगा पाई है, लेकिन आप लोग अपना ध्यान रखिए, चले रणधीर। तो दीदी मैं हवेली से जल्दी निकल जाऊं, वो अंकल कह रहे थे कि शाम से पहले। मैं सुबह से शाम तक बकवास करती रहती हूँ, मेरी बात तो नहीं सुनता, और उसके बाप ने जो बोला उसकी बात सुन रहा है? तुझे मैंने क्या बोला? सुबह दिन रात शाम सिर्फ हवेली में रहना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम वहाँ पर बिताना है, समझा? चल अब। हाँ तो कोई कुछ खाने के लिए देना। हाँ तो पहली बार मना कर देना, कहना नो आई डोंट वांट टू हैव, लेकिन फिर सेकंड बारी में ले लेना, ठीक है? और घर पे भी ले आना अगर कुछ लाएगा तो, और सबको थैंक यू जरूर बोलना, ठीक है? वो ना मैं इसको छोड़ने आई थी। तो छोड़ दिया है तो जाइए। हाँ तो हवेली में आने की इतनी जल्दी थी कि कपड़े भी नहीं बदले, फिर तो नहाए भी नहीं होगे। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, धरा को साफ सुथरे लोग पसंद है। ऊपर चलो, वो भी तुम्हारा इंतजार कर रही है टेरेस पे। कौन अकेली है? कौन? दरा। पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें मालूम नहीं कि तुम यहाँ किससे मिलने आए हो।
वैसे तुम मुझे बता सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम्हें धारा अच्छी लगती है ना? अब ये मत कहो कि सारा दिन तुमने उसके बारे में सोचा नहीं, पढ़ाई वढ़ाई में भी ध्यान नहीं गया होगा तुम्हारा। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि धरा भी सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो सच में मेरा इंतजार कर रही है? उसने कहा तो नहीं, लेकिन वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही है। लेकिन आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो मेरा ही इंतजार कर रही थी? किसी लड़की से दोस्ती की? नहीं। याद रख, लड़कियों को छुपाने में ज्यादा मजा आता है। वो लड़कों के सामने कभी अपने फीलिंग्स को खुल के नहीं आने देती। वो कभी नहीं कहेगी कि आई मिस यू, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। लेकिन जितना ज्यादा गुस्सा लड़की दिखाए, उसका मतलब वो तुम्हें उतना ही पसंद करती है। चले, तो ऐसे रहे जैसे खुद आराम से चलकर दूसरी तरफ जा सकता है। हाँ, मैं जा सकता हूँ, जाके देखो। मैडम, धारा इस सब के लिए छोटी नहीं है। तो अब आप मुझे सिखाएंगी कि मुझे क्या करना चाहिए। धारा, तुम जानती हो कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं? दिल पर कभी भरोसा नहीं करना, दिल तो धोखा देता है। मैं जिस राह पर चल रही हूँ उसकी दूसरी तरफ खतरा है। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जिसे आगे बढ़ने का बस एक ही रास्ता होता है, खतरे का। चलो, अब तुम्हारी बारी। Thank you.
मैं गिर जाऊंगी। कोशिश तो करनी होगी। फोकस करो, भरोसा करो खुद पर। तुम्हें लग रहा है कि तुम गिर जाओगे, इसलिए डर रहे हो। कोई भी इमोशन यहां से महसूस होती है दिल से, इसलिए दिल को काबू में करना बहुत जरूरी होता है। दिल से नहीं, दिमाग से काम लो। नीचे नहीं, सीधे देखो, फोकस फोकस।